हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, हमको लगातार कमेंट मिल रहे हैं कि सर CBSE कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा, और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि सर अभी भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो इसी पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। बच्चों, आपको पता ही होगा कि CBSE का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का ऑफिशियल शेड्यूल जारी हो चुका है और इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 सितंबर तक CBSE को एफिडेविट के माध्यम से ये बताना है कि वो परीक्षा किस तरीके से करवाएगी और परीक्षा का कार्यक्रम क्या है। आप सभी लोगों को भी एग्ज़ाम डेट्स के बारे में पता चल ही गया होगा, क्योंकि CBSE ने कल ही इन डेट्स का ऐलान कर दिया था। अब बात उठती है कि क्या अभी भी ये एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। बच्चों, मैंने बार बार वीडियो बना करके आपको इसके बारे में कई बार बोला है, कई बार बताया है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, कमेंट करके हमको बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। अभी भी जो पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, निर्भीक होकर के कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। वैसे हमारी तरफ से अगर आप पूछ रहे हो कि सर अभी भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, तो मेरे तरफ से पहले भी मैंने आपसे कहा था कि CBSE प्रतिबद्ध है, 100% मूड है उसका एग्ज़ाम करवाने का, और गवर्नमेंट का भी मूड देख करके ये लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। फिर भी आपको क्या लगता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों का है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। तो वैसे तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, एडमिट कार्ड कब आएगा कब नहीं आएगा इस पर आपका अभी ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं कि आपका एडमिट कार्ड नेक्स्ट फ्राइडे तक हर हाल में आ जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे मतलब अगले सप्ताह में शुक्रवार तक आपको आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा, ये सूचना फिलहाल हमें है। इसके अलावा बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा। तो बच्चों, दो तरीके की संभावनाएं हैं। जो बच्चे रेगुलर हैं उनका उन्हीं के स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर रेगुलर बच्चों का अपने ही स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो क्या जो इन्विजिलेटर होंगे वो हमारे ही स्कूल के होंगे या किसी और स्कूल के आएंगे। तो बच्चों, इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। फिलहाल उम्मीद ये रखना कि किसी दूसरे स्कूल के इन्विजिलेटर ही वहाँ पर होंगे। अब अगर बात हम करें प्राइवेट बच्चों की, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं जिनका कोई स्कूल था ही नहीं, तो ऐसे बच्चों ने जो अपना एड्रेस दे रखा होगा उसी एड्रेस के आसपास का कोई स्कूल मिलेगा। आपको पता ही होगा कि कल CBSE के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि अब की बार जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो मतलब कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्कूल्स को भी एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। तो जो प्राइवेट बच्चे हैं उनको अपने घर के आसपास, उनको अपने एड्रेस के आसपास कि जो CBSE अफिलेटेड स्कूल हैं उसी में एग्ज़ाम देने को मिल सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और प्रयास करता हूं कि अगले वीडियो में उसका उत्तर हम आपको दे दें। तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।